नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके चैनल रुद्रा इंस्पिरेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है जहां पे आपका पीएफ कटता हो और आपको अपने पीएफ बैलेंस की जानकारी चाहिए, अगर आप अपना पीएफ बैलेंस देखना चाहते हो तो कैसे देख सकते हो। ऑनलाइन ये सुविधा जो है अभी कर दी है सरकार ने, तो ये जो है आप ऑनलाइन देख सकते हो। किस तरीके से देखा जाता है, क्या प्रोसेस है, उसका मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर जितने भी नए दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं जो है अपने चैनल पे हर रोज़ लेके आता रहता हूँ। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाए ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें गूगल पोर्टल पर जाने के बाद epf.gov.in, जैसे कि ये मैंने पहले से खोला हुआ था, ये आ गया। या फिर डायरेक्ट UAN नंबर हमारे पास होना चाहिए अगर हमें अपना PF जानना है तो। अगर आपके पास UAN नंबर नहीं है तो आप जो है जिस कंपनी में काम करते थे उसमें अभी करते हो या आपने छोड़ दिया है, तो वहाँ पे बात करके UAN नंबर जो है आप ले सकते हो। UAN नंबर आपकी सैलरी स्लिप पे भी लिखा होता है, वो नंबर डालने के बाद ही आप जो है अपना बैलेंस चेक कर पाओगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमें लेके चलता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाली साइट पे, epfindia.gov.in। इस साइट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो साइड में आप देख सकते हो UAN नंबर है और पासवर्ड है, नीचे ये कैप्चा है, ये हमें भरना होगा, उसके बाद हम साइन इन कर देंगे। अगर आपके पास UAN नंबर नहीं है तो आप सबसे नीचे आने के बाद ये जो सेकंड ऑप्शन देख रहे हो, नो यूअर UAN नंबर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और सिंपल स्टेप है वो फॉलो करोगे तो आपको जो है आपका UAN नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो है मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर जो है डालना होता है, वो आप वही डालें जो आपको लगता है कि आपने दिया होगा, या फिर आपको श्योर हो कि यही नंबर, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर जो है मैंने अपने पीएफ के लिए जो है दिया हुआ है। उसके बाद वो एक्टिवेट करवाना पड़ता है, फिर इसका पासवर्ड बनेगा, तब जो है ये होता है। अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो मैं डिटेल में उसके लिए भी वीडियो बना के डाल दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको जो है, अगर आपके पास UAN नंबर है तो आप बैलेंस कैसे चेक करो वो बताता हूँ। अब मैं यहाँ पर फिलहाल आपको अपना ही UAN नंबर टाइप करके दिखाता हूँ। हालांकि कई साल हो चुके हैं मुझे जॉब छोड़े हुए, लेकिन मैं अपना UAN नंबर ही टाइप करके आपको जो है दिखाता हूँ। यहाँ पे UAN नंबर मैंने डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, इसके बाद कैप्चा फिलअप करने के बाद साइन इन हम करेंगे। साइन इन करते ही जो है ये ई नॉमिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल विद ई साइन, प्लीज साइन फाइल योर नॉमिनेशन इमिडिएटली इफ नॉट फाइल एज येट, इसको लेटर बोल कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारी डिटेल आ चुकी है, UAN नंबर ये है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपने जहाँ पे दिया होगा वो मोबाइल नंबर के साथ जो है आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट नंबर, ये तीनों चीज़ें होनी ज़रूरी है। अगर ये होगा तभी आपके अकाउंट में ही जो है पैसा आएगा। अगर ये KYC आपकी अपडेट नहीं है तो आप इसको फिलअप कर सकते हो। यहाँ साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट नंबर जो है डाल सकते हो KYC के लिए। वहाँ से जब अप्रूवल हो जाएगा साइट से, तब जो है आपके अकाउंट में पैसे के लिए आप डाल सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊँगा अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो। ये डिटेल डालने के बाद तो आपका पैसा आएगा आपके अकाउंट में, लेकिन अगर आप बैलेंस चेक करना चाहते हो कि कितना बैलेंस है, तो यहाँ साइड में जैसे आपको दिख रहा है व्यू का जो ये ऑप्शन है, व्यू पे हम क्लिक करेंगे और सबसे नीचे है दोस्तों पासबुक, इस पासबुक पे क्लिक करेंगे। पासबुक पे क्लिक करते ही हमें दूसरी साइट पे लेके चलेगा, दूसरा पेज हमारे सामने खुलेगा जिसमें दोबारा से हमें UAN नंबर और पासवर्ड जो है डालना होगा। दोबारा से मांग रहा है 36। लॉगिन करने के बाद ये पेज जो है सामने दूसरा पेज खुल जाएगा, हमें जो करंट एम्प्लॉयर होगा वो सेलेक्ट करना है।
सेलेक्ट करने के बाद व्यू पासबुक है साइड में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हो टोटल बैलेंस, टोटल ईआर बैलेंस, मतलब टोटल बैलेंस यहाँ पे 0-0 है। आप देख सकते हो कि मैंने जो है पैसा निकलवाया हुआ पहले ही, इसलिए ये जो है 0 शो कर रहा है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे नीचे आने के बाद जो है पूरी स्टेटमेंट देख सकते हो किस डेट में जो है पैसा आया। पर्टिकुलर एम्प्लॉय शेयर जो सबसे ऊपर लिखा होता है, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर, और उसके बाद ये है पेंशन कंट्रीब्यूशन। ये तीनों ही जो है काउंट होके जितना टोटल होता है वो हमारा टोटल बैलेंस होता है, पीएफ बैलेंस होता है दोस्तों। एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन कंट्रीब्यूशन, ये तीनों को मिला के जो बनेगा वो हमारा टोटल पीएफ होगा। लेकिन ये जो पेंशन शेयर है दोस्तों, ये पेंशन शेयर आप तभी निकलवा सकते हो जब आपने किसी कंपनी में कम से कम 6 महीने काम किया हो या 10 साल से कम काम किया हो। 6 महीने से ज़्यादा और 10 साल से कम आपने काम किया है तो ही आप पेंशन प्लान एक पर्टिकुलर एज पे जाके जो है निकलवा सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों अपना बैलेंस जो है चेक किया जाता है। व्यू पासबुक डाउनलोड करना चाहो तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। क्लेम स्टेटस अगर जानना चाहो, कभी आपने अगर जो है अपना पैसा निकलवाया है तो उसका स्टेटस आपने जानना चाहो तो वो यहां पे क्लेम स्टेटस पे जान सकते हो। तो ये वीडियो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आप अपना जो है बैलेंस चेक कर पाओगे। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, जल्दी से जल्दी जो है मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।